चंद्रमा सी शीतलता है ना, दिखाई देता ही है, और दैदीप्यमान सितारे हैं। इसलिए 3-in-1 भाई जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है तिनसुकिया में। तो मैं अभी सुमन बहन को अनुरोध कर रही हूँ कि वो आकर भाई जी का स्वागत करेंगी। हैं, भूल जाते। तो अभी भाई सब भाई जी सुनेंगे, और क्योंकि आज गुरुवार भी है, हो गए, फिर बड़ी दीदी भी आएंगे तो भोग लेंगे। ओम शांति। संगम युग जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रहा है, इसका सुख, इसका आनंद वो भी बढ़ता जा रहा है। इसकी अनुभूतियां, इसके अनुभव और गहरे होते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी का समय अनुभूतियों की गहराई में जाने का समय है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत आ रहे हैं, चल ही एग्ज़ाम डेज रहे हैं। तो ऐसे समय पर बाबा हर पल अपने बच्चों के साथ है, ये अंदर का गहरा कनेक्शन चाहिए। रोज अमृत वेले से चेक करो। एक काम जो हम सबको करना होता है रोज, कि अमृत वेले के बाद मैं आत्मा सारा दिन अपने अनादि, अपने आदि और ब्राह्मण जीवन के रूहानी संस्कारों की रक्षा कितना कर पाती हूँ। सारा दिन बहुत ऑपोजिशन है और मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ। संडे की मुरली के अंदर बाबा ने कितना नशा चढ़ाया, उस मुरली को एक दिन में 10 बार भी पढ़ा जाए तो भी कम है। बाबा ने कहा, ये अक्षौणी सेना, आप पांडवों के आगे कुछ भी नहीं है, पूरी अक्षौणी सेना आप एक के बराबर भी नहीं है, आप इतने शक्तिशाली हैं, क्योंकि भगवान की नजर आपके ऊपर पड़ी है, भगवान की पालना के पात्र आप बने हो, उसकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ी है। तो जैसे उसको सब बहुत प्यार से देखते हैं, सब बहुत प्यार से और स्वच्छता से रखते हैं, उसकी संभाल करते हैं, क्योंकि उसकी नज़र आपके ऊपर पड़ी है, तो आपको भी सब बहुत प्यार से देखते हैं, स्वच्छता से रखते हैं, संभालते हैं। पूज्य देवी देवताओं के रूप में, तो ये जो बाबा के महावाक्य हैं, ये मेरे प्रैक्टिकल जीवन के, कि जितना प्यार से वो भक्त लोग आधा कल्प तक मुझे निहार रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे मंदिरों की कितनी स्वच्छता से संभाल कर रहे हैं, खुद भी कितना स्वच्छ रहते हैं जब वो मेरी मूर्ति के पास आते हैं। यहाँ पर मुझ आत्मा के अंदर वो प्यार, वो स्वच्छता हर आत्मा के प्रति कितनी आती जा रही है। जब हम बाबा के पास आते हैं, ये बाबा का एक ट्रेनिंग सेंटर है,
इस ट्रेनिंग सेंटर में हम एंजल बनने आए हैं, फरिश्ता बनने आए हैं। और शुरू शुरू में जब बाबा का ये ज्ञान मिलता है हम सबको, तो जीने का एक सहारा मिला ज्ञान और योग के रूप में। तो जैसे जैसे हम ज्ञान सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, योग लगा रहे हैं, इन दो पंखों से हम अपने जीवन को चलाना जब शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे महसूस होता है कि मैं कुछ और से कुछ और होता जा रहा हूं। पहले मैं शूद्र था, लेकिन जब से मैंने ज्ञान और योग को जीवन में अपनाना शुरू किया, यूज करना शुरू किया, मैं कुछ और होता जा रहा हूं। लेकिन क्या जीवन भर मैं ज्ञान ही सुनता रहूंगा? क्या जीवन भर मैं योग ही लगाता रहूंगा? या ज्ञान सुनने और योग लगाने से एक रिजल्ट एक समय पर मेरे जीवन में आएगा? तो सुनते 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 ज्ञान का जो क्लेरिफिकेशन है आत्माओं के विषय में, परमात्मा के विषय में, संस्कारों के विषय में, तो जब वो सारा ज्ञान, शुरू शुरू में ज्ञान यहाँ था, मैं यहाँ हूँ, परिस्थिति आई है, मैं ज्ञान को अपने पास बुलाता हूँ, यहाँ पर याद करता हूँ, परिस्थिति है, मेरा कार्मिक अकाउंट है, मेरा अनेक आत्माओं के साथ कर्मों का हिसाब किताब है, वो मैं याद करता हूँ, मैं ज्ञान को अपने पास बुलाता हूँ, और किसी भी आत्मा के प्रति मेरे अंदर कोई नफरत, कोई भेदभाव, कुछ और ना आवे, तो उस ज्ञान से मैं अपने मन बुद्धि को साफ करता हूँ, प्यार का भाव उत्पन्न करता हूँ, आत्मिक भावना उत्पन्न करता हूँ। तो ज्ञान सुनते सुनते ज्ञान का कन्वर्शन किस रूप में होगा? प्यार के रूप में। कि आत्मा जब संपूर्ण ज्ञान परमात्मा पिता से प्राप्त कर लेगी तो उसका अपना स्वरूप क्या बन जाएगा? प्यार का स्वरूप। भगवान को क्यों इतना याद करते हैं सब? प्यार का सागर है। तो ये ज्ञान मुझे क्या बना देगा? प्यार का सागर, उसका स्वरूप बना देगा। और योग जो हम लगा रहे हैं, योग का स्वरूप मेरे जीवन में कैसे प्रत्यक्ष हो? कि मेरा योग जो मैंने इतने समय से लगाया है वो मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। योग लगाने से क्या होता है? विकर्म विनाश होते हैं। योग लगाने से क्या होता है? संस्कारों का टकराव खत्म होता है। योग लगाने से क्या होता है? आत्मा पवित्र बनती है, शुद्ध बनती है। तो योग लगाते लगाते, योग का जब मैं स्वरूप बन जाऊंगा, तो वो मेरा स्वरूप किस रूप में होगा? पवित्रता के रूप में। पवित्रता माना अब किसी भी आत्मा के साथ कोई कार्मिक अकाउंट, कोई अपना पुराना संस्कार, कोई अन्य बात, वो सब खत्म है। तो जब मैं ब्राह्मण बना था तो ब्राह्मण जीवन के मेरे पास दो पंख थे, ज्ञान और योग। और ब्राह्मण जब ज्ञान को मैंने अडॉप्ट किया, अपने जीवन में अप्लाई करता चला, चलते 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 ज्ञान और योग कन्वर्ट हो गए और मैं ब्राह्मण से क्या बन गया? फरिश्ता। मैं ब्राह्मण से क्या बन गया? फरिश्ता। और फरिश्ता बनने के बाद अब मेरे जो पंख हैं ज्ञान और योग नहीं हैं, फरिश्ते के पंख हैं प्रेम और पवित्रता। फरिश्ते को कभी भी आपने कहीं ज्ञान सुनाते हुए, लेक्चर देते हुए नहीं देखा होगा। एंजल क्या कर रहे हैं? पावर दे रहे हैं। तो प्यार वो एनर्जी है, पवित्रता वो एनर्जी है जो ट्रांसमिट होती है यहां से वहां पर। तो वर्तमान समय अभी क्यों हमने ये बात आपके सामने रखी है कि आज जो संगम युग खत्म होने जा रहे हैं, एक एक पल अब दिल की धड़कन तेज होती जा रही है कि किसी भी सेकंड भगवान इन आंखों से ओझल हो सकते हैं।
मेरा ही शरीर छूट जाए अभी, संगम युग पूरा हो जाए, तो आंखें बंद भगवान का पाठ मेरी जिंदगी से पूरा हुआ। तो कितने पल और रह गए हैं मेरे पास कि मैं भगवान को देखूं बड़े प्यार से, महसूस करूं? कितने पल और कितने सेकंड मोमेंट मेरे पास हैं जो मैं दिल से भगवान के साथ अनुभूतियां करता रहूं? ये समय भी निकल जाएगा। इसलिए अभी तक हम में से सब जितना समय से जो ज्ञान में चले हैं, बाबा तो कहते हैं बच्चे ओवरऑल में देखा जाए 5% भी परफेक्टली प्योर निश्चय बुद्धि नहीं है, तो अनुभूतियां भी कैसी होंगी? तो उस बात को सामने रखते हुए कि हम लोग जब जब से अपने इस ज्ञान के पीरियड में चले हैं, किसी को 1 साल, किसी को 1 महीना, किसी को 10, 15, 20, 50, लेकिन मैंने ये जो संगम युग पे अपना ड्रामा क्रिएट किया है, मैं अपने ही क्रिएट किए हुए ड्रामा से संतुष्ट हूँ, खुश हूँ कि आज बैठे बैठे अगर मुझे अपना ये संगम युग याद आवे कि जब से मैं बाबा के पास आया था, तो जैसे वो डायरी खुले, वो किताब खुले, और जब मैं उसको पढ़ना शुरू करूं, एक एक पन्ना पलटूं, क्या मेरे चेहरे पे वो खुशी, रिलैक्सेशन, वो सेटिस्फेक्शन आता है? पूछें अपने आप से। वो चीज को अभी बहुत गहराई से समझना है कि मैंने जो अभी तक लिखा है अपने जीवन के बारे में इस संगम युग पर, क्या फेयर लिखा है? क्या ऐसा लिखा है जिसको मैं पढूं तो मुझे अंदर में सेटिस्फेक्शन हो, सामने वाला पढ़े तो उसको बहुत खुशी मिले, शक्ति मिले, दुआएं निकले उसके अंदर से? ये है संगम युग की सफलता, कि मेरा संगम युग कितना सफल हुआ है। आपने जानकी दादी को कभी योग लगाते हुए देखा कि दादी अभी बाबा के रूम में योग लगाने जा रही है? क्योंकि दादी का योग उनकी पवित्रता की शक्ति के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। वो हर समय है ही किसकी याद में, कि जब हमारा मन बुद्धि एक का हो जाएगा ना, फिर अलग से योग लगाने की जरूरत, क्योंकि हम तब तक योग लगा रहे हैं जब तक मन बुद्धि एक के अंदर पूरी तरह तक गया। हाँ, और हम तब तक ज्ञान सुन रहे हैं जब तक अंदर से सारे मैल निकल नहीं जाती है, आत्मा प्यार का स्वरूप बन नहीं जाती है, और वो समय वास्तव में अभी चल रहा है। थर्ड स्टेप से हम क्रॉस कर रहे हैं बाबा का साकार पार्ट, अव्यक्त पार्ट, और अब अव्यक्त स्थिति का पार्ट, और ये पार्ट भी अचानक से फिनिश, तो ड्रामा खत्म। फिर कुछ लिखने का, फिर कुछ करेक्शन करने का नहीं है, जो कुछ करना है अभी करना है, जो कुछ करेक्शन चाहिए अपनी। तो बाबा मुरली में कई बार सीक्रेट बोलते हैं ना, जिसको ठीक तरह से कई बार नहीं भी समझ पाते हैं, कि बच्चे बना बनाए ड्रामा है, बना बनाए ड्रामा है और हूबहू रिपीट होता है। बना बनाया है लेकिन किसने बनाया? यहां तक बाबा कंफ्यूज कर देते हैं कि बच्चे मैं भी इस ड्रामा के बंधन में, और कंफ्यूजन कि भगवान ही जब कुछ नहीं कर सकता तो मैं क्या करूंगा। देखो भगवान कैसे ज्ञान की गहराई में ले जाते हैं। सोचो, एक डायरेक्टर है, उसने फिल्म बनाई है, तो उसने भी अपना एक पार्ट उस फिल्म में रखा है, जबकि फिल्म उसकी है, उसने रची है, उसने सिलेक्शन किया सबका, उसने रोल दिया सबका, उसने अपना भी रोल रखा उसमें, कि जब लास्ट मोमेंट पर फिल्म के अंदर एक स्पेशल अपीयरेंस के रूप में मैं आना चाहूंगा, 10 मिनट का रोल, तो वो फिल्म उस हिसाब से शूट की। तो अब वो डायरेक्टर भी उस फिल्म के बंधन में बंधा या नहीं बंधा, चाहे तो वो शुरू से आ सकता है, लेकिन उसने उस ड्रामा में अपने आप को कैसे बांधा कि अपना रोल कब फिक्स किया? फिल्म के एंड में। लेकिन किया किसने?
तो बाबा भी कंफ्यूज करते हैं कि बच्चे मैं भी ड्रामा में डॉक्टर की जरूरत ही कब पड़ेगी, बंधा हुआ है ना डॉक्टर, तो बीमार ऐसी थोड़ी ना, चलो मैं देखता हूँ दुनिया में किसी घर में तो कोई बीमार मिलेगा ना, चलता हूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है, उसका एक स्पेशल रोल है ना। इसलिए बाबा ने कहा ना बना बनाए ड्रामा, लेकिन ड्रामा बना कैसे, ड्रामा बनाया कैसे, हर देखो स्टेज है, स्टेज पर सारे कलाकारों को उतार दिया, ठीक है, अब सारे बैठे हैं, 3 घंटे तक बैठे हुए हैं, ड्रामा बनेगा, सब बैठ गए, कलाकार आ गए स्टेज पर, बैठे हैं, एक्टिंग नहीं कर रहे, ड्रामा बनेगा कब बनेगा, जब वो सब कुछ करना शुरू करेंगे, एक ने दूसरे को छेड़ा तो दूसरे ने आग दिखाई, ड्रामा बन गया। तो ड्रामा बना बनाया कैसे, ड्रामा हम सभी कलाकारों ने अपने कर्म से बनाया है, कैसे बनाया है, कर्म से बनाया है। फिर ड्रामा हूबहू रिपीट होगा, यही कि मैं इसके सामने जो पार्ट बजा रहा हूं, अब मैं इसका डायरेक्टर बन गया, अब मैंने इसको सिखाया हूबहू यही वाली एक्टिंग, तुम मेरे साथ, सामने वाले का क्या बन गया, मैं जिस जिस आत्मा के सामने मैं जो जो पार्ट बजा रहा हूं, यानी कि मैं उसको सिखला रहा हूं कि हूबहू यही पार्ट यही एक्टिंग तुमको मेरे सामने करनी है। कौन सिखा रहा है, सामने वाला कड़वा बोले मेरे साथ, कौन सिखा रहा है, सामने वाला आंख दिखाए मुझे, कौन सिखा रहा है। तो डायरेक्टर हम हो गए, हमने सबको एक्टिंग सिखा दी, अब सब मेरे सामने एक्टिंग कर रहे हैं, अब मैं कहता हूं ये क्या कर रहे हो, कहता आप ही ने तो सिखाया था, आप ही ने तो एक्टिंग सिखाई थी, कहते चलो कोई बात नहीं, अगर आज आपको अपनी ही सिखाई हुई एक्टिंग पसंद नहीं आ रही तो अब बताओ कैसी एक्टिंग करूं, अब आप ही बताओ। तो मैंने बहुत प्यार से बोला, बहुत मीठा बोला, उसने कहा ओके मैंने सीख लिया, हूबहू अब यही वाली एक्टिंग मैं आगे चलकर आपके सामने रिपीट करूंगा। तो जिसने ये समझ लिया उसने अपने नाटक को ठीक कर लिया। तो एक एक पल ज्ञान का सागर हमें ज्ञान की गहराई में लेता जा रहा है। तो बाबा से हम बार बार यही पूछते रहते हैं कि बाबा कितने गहरे हो आप, कितने गहरे हो, जितना और नीचे उतरते हैं आप और नीचे उतर जाते हो, इतनी गहराई है ज्ञान की। अभी भी अगर देखा जाए तो हमने कितना समझा है बाबा को, ओवरऑल कितना समझ लिया हमने बाबा को, जितना हमारा जीवन बदला बस उतना ही समझा, बाकी नहीं समझा। तो इसलिए उस बात को ध्यान में रखते हुए अभी तक का जो संगम युग हुआ है, अगर उससे मैं अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हूं तो बहुत थोड़े से क्षण मेरे पास हैं तो उनको मैं ठीक कर लूं, करेक्शन यहां होगी तो नाटक अपने आप चेंज हो जाएगा, नाटक अपने आप करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही काफी है, भोग लगना है, बड़ी दीदी आई हैं, फिर आपसे मिलेंगे, ओम शांति।